बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कुछ न्यूज़ जो काफ़ी अर्से बाद जो है आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो गेस्ट पेपर जो आप लोग साथ शेयर किए थे, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, जो कि रिजल्ट आने वाला है उस हवाले से। तो सबसे पहले जो है आप लोगों से जो बात करनी है वो ये है कि आप लोगों का जो पेपर है इस दफ़ा जल्दी होंगे। जल्दी से मुराद ये है कि इस साल कोविड की वजह से और पिछले साल भी कोविड की वजह से एग्ज़ाम जो थे वो लेट हुए थे। तो पहले जिस तरह 2019 में या 2020 में एग्ज़ाम हो रहे थे, रुक गए थे, या उससे पहले जितने भी ईयर्स हैं, तो पेपर जो हैं 9th 10th के मार्च में होते हैं, जबकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर जो है वो अप्रैल के एंड में या फिर मई में होते हैं। तो इस दफ़ा लेट हो गए थे। नेक्स्ट 2023 में 9th 10th के एग्ज़ाम जो हैं पहले 10th के होते हैं, जो कि मार्च के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाते हैं, तो इसी तरह होंगे। और जैसे वो ख़त्म होंगे उसके बाद 9th के, और उसके बाद जैसे मई में के शुरू में या अप्रैल के एंड में सेकेंड ईयर के पेपर होते थे और फिर उसके ख़त्म होने पर फर्स्ट ईयर के होते थे, तो उसी तरह होंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये अगस्त का मंथ जो है इस समय तो 10th वालों के पास, 9th वालों के पास टोटल 6th से 7th मंथ हैं, और उसके बाद जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके पास 8th से 9th मंथ हैं। तो आप लोग जो हैं इसी हिसाब से तैयारी जो है जारी रखें। रह गई बात स्मार्ट सिलेबस की, तो आप लोगों को ये बात बावर करवा दूँ कि सियासी सूरत हाल की वजह से कोई जो है बाकायदा अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन या मीटिंग्स नहीं हो रही, जिसकी वजह से अभी तक फैसला नहीं हुआ। हाँ, अगर हम पहले की बात करें तो 2022 की जब एग्ज़ाम हो रहे थे उससे पहले ये एक नोटिफिकेशन आया था कि नेक्स्ट ईयर 2023 का जो एग्ज़ाम होगा वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होगा, लेकिन वो जो था कंफर्म न्यूज़ नहीं थी। अब दोबारा से जो है वो नोटिफिकेशन जारी अगर हुआ, मीटिंग्स हुई, तो सियासी सूरत हाल जो है वो अलग करे इसी तरह रहे जिस तरह पंजाब में है, तो इंशाल्लाह फिर जो है मीटिंग्स होने के भी चांसेस हैं और आपके स्मार्ट सिलेबस के हवाले से भी कोई न्यूज़ आने के चांसेस हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो इसलिए आप लोग फिलहाल पूरी तैयारी जो है वो करें, क्योंकि अभी तक जो 9th और 10th की बुक्स जो स्कूल में फ्री मिलती है गवर्नमेंट स्कूल में, वो भी अभी तक बच्चों को नहीं मिली, सिर्फ इसी सियासी सूरत हाल की वजह से। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात रिजल्ट के हवाले से, क्योंकि मैं जो है आप लोग साथ टच में नहीं था, मैं थोड़ा जो है वो जे के आज़ाद कश्मीर घूमने गया हुआ था, तो आप लोग जो है 9th 10th के स्पेशली बच्चे जो है मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, जिनके पास नंबर है या फिर इंस्टा पे जिन्होंने फॉलो किया हुआ है, तो आप लोग मैं जवाब नहीं दे सका। हाँ, एक बात और कि अगर आप लोगों ने मेरा दूसरा चैनल मियाँ मोहम्मद जाफर के नाम से है, वो नीचे शोर होगा, वो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत व्लॉगिंग तो नहीं कहता, थोड़े बहुत जो क्लिप्स हैं ब्यूटी कश्मीर की जो है वो आप लोगों के साथ वहाँ पे मैं शेयर करूँगा। उसके बाद रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट जो है 9th और 10th का 19 अगस्त डेट भी आ रही है और 31 अगस्त डेट भी आ रही है। तो पहले 10th का रिजल्ट आता है, उसके 10-15 दिनों बाद जो है वो 9th का जो रिजल्ट है वो आता है। तो इस दफ़ा सुनने में आया था कि रिजल्ट जो है वह इकट्ठे आएगा, लेकिन ऐसा सूरत हाल नहीं है। पहले 10th का आएगा फिर 9th का आएगा, जैसे पहले होता है, या फिर मे भी मीटिंग्स होनी है उसके बाद रिजल्ट की डेट भी जो है वो अनाउंस होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि 19 अगस्त सुनने में भी आया, 31 में भी आया, लेकिन दोनों ऑफिशियल डेट्स नहीं है, ऑफिशियल लेवल पर अनाउंसमेंट नहीं हुई रिजल्ट डेट्स का। उस हवाले से एक न्यूज़ जो है वो आप लोगों को शो हो रही होगी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभी इसी हफ्ते, मतलब जो हफ्ता चल रहा है, तो इसी हफ्ते में मीटिंग्स होनी है तमाम पंजाब बोर्ड्स। अब तमाम पंजाब बोर्ड्स में तमाम बोर्ड आ जाते हैं, आज़ाद कश्मीर बोर्ड भी उसी में आ जाता है, तो तमाम पंजाब बोर्ड जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, भावलपुर, मुल्तान, सारे बोर्ड आ जाते हैं, पंजाब के आज़ाद कश्मीर बोर्ड भी, तो उनके कंट्रोलर इम्तहानात की जो है मीटिंग होनी है, जिसमें 10th के जो रिजल्ट डेट है उसका जो है डिसीजन होगा, और उम्मीद है कि बाकी जो क्लासेस हैं उनके रिजल्ट का भी डिसीजन जो है वो होगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के भी साथ। तो इसलिए आप लोग जो है वेट करें, अभी कोई भी डेट कंफर्म नहीं है, 19 का भी सुने, 31 का भी सुने, और साथ साथ जो नोटिफिकेशन आया है अखबार में एक न्यूज़ है उसके मुताबिक अभी डेट्स के हवाले से मीटिंग होनी है, इसी हफ्ते, कल हो परसों हो, तो मीटिंग होनी है, तो उस मीटिंग का वेट कर लेते हैं।
उसके बाद जैसे ही ऑफिशियल जो है वो डेट्स आएंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और जो है दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर रिजल्ट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।